हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है वो है फोर्ड फिएस्टा 2010 मॉडल और 1600 सीसी का इसका इंजन है। हमने इसमें लगाई है आज सीएनजी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने इसमें सीएनजी के क्या क्या पार्ट्स कहां कहां इंस्टॉल किए हैं और उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा फिएस्टा का इंजन बे और सबसे आगे आप देख सकते हैं ये है इंजेक्टर रेल्स। चार सिलेंडर गाड़ी है ये और इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली इंजन में गैस को पंप करना ताकि बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन मिले, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस मिले। और इधर आ जाए तो ये है हमारा सीएनजी का मैप सेंसर। नीचे आप देख सकते हैं ये सिल्वर वाला, ये है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। और साथ में ये जो आप देख पा रहे हैं ये काले रंग का, ये है हमारा गेज। गेज का काम होता है जो स्विच लगा होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में कितनी गैस है और आपको कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये है हमारा ECU सीएनजी सिस्टम का, माइंड भी कहते हैं हम इसे सीएनजी सिस्टम का। ये रहा हमारा एडवांसर। 1600 सीसी का इंजन है फिर भी हमने इसमें एडवांसर इंस्टॉल किया है। वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एडवांसर का काम क्या होता है, जब पेट्रोल और गैस में एक फ़र्क होता है परफॉर्मेंस का, क्योंकि इनका कम्बस्टन टेम्परेचर बहुत अलग होता है। पेट्रोल बहुत कम टेम्परेचर पे आग पकड़ता है, सीएनजी को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है आग पकड़ने के लिए, क्योंकि सीएनजी एक ठंडी फ्यूल होता है। और तो जो वो फ़र्क होता है उसकी वजह से आता है परफॉर्मेंस में लैग। उस लैग को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है ये एडवांसर। बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई चार सिलेंडर गाड़ी में एडवांसर की ज़रूरत नहीं है या 1500 में 1200 में एडवांसर की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1600 सीसी का इंजन है, ये कंपैटिबल था एडवांसर के लिए, तो हमने इसमें एडवांसर इंस्टॉल किया। क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए, सीएनजी का जो कंबस्टन टेम्परेचर और पेट्रोल के कंबस्टन टेम्परेचर का जो फ़र्क है वो आप किसी भी तरह से नहीं दूर कर सकते जब तक कि आप इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन ना करें। तो ये जो एडवांसर है ये गाड़ी के इंजन में मॉडिफिकेशन करता है, गाड़ी की टाइमिंग को थोड़ा सा एडवांस कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी सीएनजी पे भी ऐसा लगता है कि हम पेट्रोल पे ही चला रहे हैं। तो ये है एडवांसर का काम। ये साथ में इसके आता है एमरजेंसी प्लग। एमरजेंसी प्लग का काम होता है कि अगर बाई चांस आपका एडवांसर ख़राब हो जाए तो आपकी गाड़ी ना पेट्रोल पे स्टार्ट होगी ना गैस पे स्टार्ट होगी। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो एडवांसर है वो क्रैंक सेंसर के साथ बाईपास हुआ होता है, तो इसके बाईपास हो जाने की वजह से अगर ये ख़राब हो जाए तो हमारी गाड़ी ना पेट्रोल और ना गैस दोनों पे स्टार्ट नहीं होती। तो ये जो इमरजेंसी प्लग है इसको लगाने से वो बाईपास ख़त्म हो जाता है। और ये है हमारा कनेक्टर, इसी को हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं जब हम गाड़ी को ट्यून करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और आप इसको लगाते हैं आपका इसके एडवांसर के वायरिंग हार्नेस में और गाड़ी आपकी फिर भी स्टार्ट नहीं होती, तो दैट मीन्स कि गाड़ी में कुछ और फॉल्ट है, एडवांसर की फॉल्ट नहीं है। और अगर स्टार्ट हो जाती है तो मतलब एडवांसर की ही फॉल्ट है, गाड़ी में कुछ और फॉल्ट नहीं है। और यह है हमारा सीएनजी का फिलिंग वाल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस भरते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इंस्टॉलेशन। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्विच कैसे हमने इंस्टॉल किया है और उसके क्या फंक्शनिंग्स हैं। तो ये है हमारा सीएनजी का स्विच, भाई ने बहुत ऑकवर्ड सी जगह पे इसे इंस्टॉल कराया है। तो एक बार पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है और अभी आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब कि गाड़ी अभी हमारी पेट्रोल पे है। अभी गाड़ी में सीएनजी बहुत कम है तो इसलिए आर पे देख रहे हैं आप लाइट जल रही है रेड वाली। देखिए अभी ग्रीन लाइट स्टेबल हो गई है, इसका मतलब क्या है कि हमारी गाड़ी अब सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो एक बार मैं आपको गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गाड़ी का भी एसी ऑन है। मैं एक बार एसी ऑफ करता हूं और आप देखिएगा आरपीएम की तरफ। ये एसी मैं ऑफ कर रहा हूं,
देखिए एसी मैंने ऑफ किया, आरपीएम हल्के से डाउन आ गए। अब मैं एसी ऑन कर देता हूँ। ये मैंने एसी ऑन करा, आरपीएम हल्के से ऊपर आ गए। तो ये जो बिहेवियर है आरपीएम ऊपर नीचे होने का, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि जब कंप्रेसर का लोड पड़ता है तो आरपीएम गाड़ी के थोड़े से बढ़ जाते हैं, और जब कंप्रेसर बंद होता है, ऑफ होता है, तो आरपीएम थोड़े से डाउन हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। आरपीएम ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होते रहने चाहिए। अगर ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो दैट मीन्स गाड़ी में कुछ इशू है, ट्यूनिंग व्यूनिंग में या इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ कमी रह गई है, तो आपको उस टाइम थोड़ी सी फिक्र करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ फोर्ड फिएस्टा का, कितना बचता है सीएनजी के सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा फोर्ड फिएस्टा का बूट स्पेस। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितना मैसिव स्पेस बचता है सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। आप अच्छा खासा लगेज इस गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। और इसमें जो हमने सिलेंडर लगाया ये 14 किलो का, क्योंकि इसका टनल्स है ना, शॉकर के टनल्स वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, तो 12 किलो का आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हमने इसमें 14 का इंस्टॉल किया है। तो आप देख सकते हैं, इन शॉर्ट अच्छा खासा लगेज इस गाड़ी में आप कैरी कर सकते हैं सीएनजी के होने के बावजूद। तो अब एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं और गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि उनकी गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है सीएनजी इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ब्रदर, हमने आपकी आज फोर्ड फिएस्टा में सीएनजी इंस्टॉल करी है, तो आपको काम की क्वालिटी कैसी लगी और आपकी गाड़ी परफॉर्म कैसा कर रही है? जी, पहली बात तो कहूँगा कि काफ़ी वीडियोस देख के आपकी मैं आया था यहाँ पे। जी जी, ये मैंने देखा था कि काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, पर्सनल उनके कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा वही बात मुझे काफी लगी थी वेरीफाइंग कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छा काम होता है। जी जी। तो वो मैं एक परसेप्शन लेके आया था, बट देन वो परसेप्शन आज यहाँ आके प्रूफ भी हो गया कि ऐसा ही काम हो रहा है, वो जस्टिफाइड है, कि कोई स्क्रिप्टेड लोग नहीं बोल रहे हैं, वो मेरे भी व्यूज वही आ रहे हैं एक्चुअली जो लोग के आते हैं। ओके। क्योंकि काइंड ऑफ हर वीडियो में लोग यही बोल रहे हैं पेट्रोल देश चल रही है, पेट्रोल देश चल रही है, पर एक्चुअली ये फैक्ट है कि चल रही है। ओके। तो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है? नहीं है स्क्रिप्टेड, मुझे लग रहा है वीडियो में भाई, मजाक की बात नहीं, सही भी लग रहा है यार, सब हर कोई यही बोल रहा है, कोई बात है क्या ऐसी? लेकिन मैं चलाई, मैं गया सही में कंफ्यूज हो गया कि ये सीएनजी है कि पेट्रोल है। ओके। सो बहुत सही लगा मुझे ये काम आपका। चलिए, थैंक यू सो मच। और मतलब अब यू आर ऑलमोस्ट सैटिस्फाइड? ऑलमोस्ट नहीं, सैटिस्फाइड, फुल सैटिस्फाइड। यस। तो भाई हमारे फुल सैटिस्फाइड है, और वही बात अब मैं बोलूंगा, एक तो सब बोलेंगे ये तो स्क्रिप्टेड है, कि भाई सीएनजी लगाओ, पैसा बचाओ, और कोई फायदा नहीं है गाड़ी को घर के नीचे खड़ा करके सड़ाने से। और अब ये भाई की गाड़ी 11 साल पुरानी है और सिर्फ 77,000 चली हुई है। अब ये देखना, ये सीएनजी लग गई ना, अब ये एक साल में 70,000 और चल जाएगी। बाइक ऑलरेडी बेच दी मैंने सीएनजी करवाने से पहले, ये सब तो बाइक बेच के आऊं, मैंने कहा बाइक का काम ही नहीं है। हाँ। अब गाड़ी चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि सीएनजी लगा के बहुत पैसा बचता है यार। चार आदमी इज्जत से एसी में बैठ के अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, क्या क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। अब यही आदमी पेट्रोल वाली गाड़ी होती है तो सोचता है गाड़ी ले जाऊं नहीं ले जाऊं, फिर दोस्त लोग होते हैं तो कॉन्टी करते हैं कि भाई पेट्रोल ले। ऐसी गाड़ी 16 सीसी इंजन जिसका, तो वैसी एवरेज नहीं देती। फिर ट्रैफिक कंडीशन ऐसे है कि गाड़ी एवरेज नहीं निकाल सकती, फिर पेट्रोल प्राइसेस तो आसमान चीर के निकल रहे हैं। तो इट्स बेटर स्विच टू सीएनजी, ताकि आपका पैसा बचे, वो पैसा आप कहीं और यूटिलाइज कर सको, अपनी फैमिली में, अपनी नीड्स में, अपनी शौक पूरा करने के लिए। आप उस पैसे को पेट्रोल में वेस्ट करना कोई मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो। रनिंग नहीं है, आपकी यूजेज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, भाई मेरी ये गाड़ी है, भाई की भी सवाल था, फोर्ड है मेरी, कौन सी किट लगेगी, क्या नहीं लगेगी? तो मेरा हर वीडियो में या हर किसी जिससे भी मैं बात करता हूँ इस बारे में मैं कमेंट करूंगा, जैसे एडवांसर की बात हुई जी, मैंने अपने लोकल फरीदाबाद में मैंने हर जगह चेक किया था। जी जी। मैंने सबसे पूछा सीएनजी डीलर्स से कि एडवांसर लग पाएगा, कह रहे नहीं फोर्ड की गाड़ी है, इसमें तो 16 सीसी का इंजन है, नीड ही नहीं है। मैंने कहा नीड नहीं, मैं वही मुझे फिर आपकी वीडियो याद आई, मैं कहा ये तो वही बात हो रही है जो वीडियो आप समझाते हैं हमको। जी जी। कि भाई नीड नहीं है, इसका मतलब कि वो नहीं लगा पा रहा है, लगाना ये चाह रहा, जो भी है वो मैं नहीं बता सकता। जी जी। और एक रीजन और दिया उन्होंने कि ये फोर्ड का है, इसमें हम सेंसर में हम वायरिंग को हम नहीं छेड़ सकते, तो ये उन्होंने रीजन दिए, तो मुझे वही चीज आपकी हिट करी, मैं कहा ये रीजन आपने बताया वीडियो में और वही रीजन वो जेन्युइनली दे रहे हैं, तो इसी कारण मुझे उनपे ट्रस्ट नहीं हुआ और ये काम सारा ट्रस्ट के ऊपर है। बिल्कुल सर। तो ये ट्रस्ट से ही मैं आपके आया हूँ और मुझे पूरा ट्रस्ट 100% वो पूरा हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्ट, और होपफुली ये ट्रस्ट बना रहे।
और वही मैं कंटिन्यू करूँगा अपनी बात ब्रांड्स वाली। देखिए आप कि कोई भी गाड़ी हो उसके लिए जो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बस जो आपको जिस चीज़ पे ख्याल देना है वो देना है आपका इंस्टॉलर। आपका इंस्टॉलर अच्छा है तो कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड आपकी गाड़ी में बहुत अच्छा फ्लॉलेस चल सकता है, अगर उस इंस्टॉलर ने अच्छी तरह से इंस्टॉलेशन की है, बहुत प्रिसाइज ट्यूनिंग की है। तो ये मत भागिए कौन सा ब्रांड लगाऊं, ये ब्रांड लगाऊं, वो ब्रांड लगाऊं, वो तो वो ब्रांड लगाया है उसकी गाड़ी में, वो ब्रांड लगाया है, तो ठीक है जो भी है आप गवर्नमेंट अप्रूव ब्रांड को स्टिक करो, ठीक है, और अपना इंस्टॉलेशन कराओ टेंशन फ्री। ज़रूरी नहीं है आप मेरे से कराएं, आप कहीं से भी करा सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि जो भी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं ओरिजिनल हो रहे हैं, जो भी इंस्टॉलेशन हो रही है बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रही है, आपकी गाड़ी बेहतरीन चलेगी। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, देखिए बहुत लोग कॉन्टैक्ट करते हैं मुझसे, मैं नहीं काफ़ी लोगों के रिप्लाई दे पाता, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आती हैं और थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है बंदे की, तो कुछ कुछ लोग चूक जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट देर सवेर मैं कर ही देता हूँ रिप्लाई। तो आपको जो भी मुझसे पूछना है आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।